फलश्रुति की चौपाई है खुलासा प्रकरण पांच मोहम्मद सिफायत जिन लई सो इत हुए खबरदार हक बका अर्स सबका तिन इत ही पाया दीदार तिन इत ही पाया दीदार। प्राणधार सुंदर साहब जी इस चौपाई का अंतिम चरण है तिन इत ही पाया दीदार हक बका अर्श सबका तीन इति पाया दीदार। किसको दर्शन होगा? जो श्री प्राणनाथ जी के दर्शाए हुए मार्ग पर चलेगा उसको इसी संसार में बैठे बैठे राज्य का भी दर्शन होगा जिसको हम पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत कहते हैं और परम धाम का भी दर्शन होगा। सामान्य रूप से देखिए इस माया के संसार में 8 अरब लोग इस पृथ्वी पर लगभग रह रहे हैं। 8 अरब में समझिए 3 अरब तो नास्तिक होंगे, समस्त हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन यहूदी सबको मिला लीजिए तो 5 अरब के लगभग होंगे। और 5 अरब में मैं समझता हूं अध्यात्म की सच्ची राह पर केवल 5 करोड़ ही चल रहे होंगे। उन 5 करोड़ में से भी समझ लीजिए लगभग 1 करोड़ ही ऐसे होंगे जो सच्चे मन से ध्यान में लगे होंगे। 1 करोड़ के अंदर भी यदि 1 लाख ये दावा कर दें कि हमें लगता है कि परमात्मा हमारे बहुत निकट है तो भी बहुत अच्छी बात है। अपने सुंदर साथ की संख्या ही 40 लाख है लगभग। 40 लाख सुंदर साथ में मुझे नहीं लगता कि 1 लाख सुंदर साथ भी गहराई से चितवनी में डूबते होंगे। वाणी क्या कह रही है कि जिन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान की है, वाणी के चिंतन में गोता लगाया है और उनके दर्शाए हुए मार्ग का उल्लंघन किया है। मुस्लिम लोगों को क्या शिक्षा दी जाती है कि देखो चाहे कुछ भी करो, कितने भी बुरे कर्म करो, तुमने कलमा पढ़ लिया है तो तुम्हारे लिए बहिष्ट सुरक्षित है। ऐसा नहीं होगा, परमात्मा सबका है। ऐसा थोड़े है कि कोई कितना भी पाप करेगा उसके लिए बहिष्ट मिल जाएगी। हिंदू समाज से जो सबसे बड़ी भूल हो रही है वह भूल है एक परमात्मा पर निष्ठा नहीं है। हिंदू आमतौर से शाकाहारी होता है, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, वो धर्म के नाम पर किसी की गर्दन नहीं काटना चाहता। संसार में आतंकवाद का जोर चल रहा है, मुस्लिम कट्टरता बढ़ रही है, क्रिश्चियन कट्टरता बढ़ रही है, अभी खालिस्तान का आप देख रहे हैं, लेकिन इतिहास में कोई घटना नहीं आती है कि हिंदुओं ने किसी को धर्म के नाम पर काटा हो, किसी की मस्जिद गिराई हो, गिरजाघर गिराए हो। थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन क्या कारण है कि आज हिंदू समाज संकट में फंसा हुआ है? जानते हैं इसका कारण क्या है? पहली बात तो यह है कि संसार में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, और काम खुदा से न हो ये ऐसो न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मैंने जो हक से भी लो, वह क्या है? राज्य सब कुछ कर सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद क्या है? सर्वशक्तिमान अक्षरातीत है। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ ये नहीं कि जो चाहे वो कर लेगा। देखिए पानी बरस जाता है सीमा से अधिक तो भी किसान जलीकटी बातें सुनाता है कि हे परमात्मा तूने पानी बरसा दिया, तूने ओले गिराकर हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया। जब पानी नहीं बरसता है तब कहता है कि परमात्मा तू कितना निष्ठुर हो गया है, हमारे खेतों में फसल सूख रही है पानी नहीं दे रहा है। मनुष्य कटु से कटु शब्दों का प्रयोग परमात्मा के लिए करता है, लेकिन जिसके इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं वह परमात्मा सबकी बात सुनता है। लोग उसको गाली देते हैं, कितने कहते हैं, मैंने अभी कहा कि 8 अरब के अंदर 3 करोड़ तो कम से कम नास्तिक होंगे, चाइना में, रसिया में, चाहे अपने देश में भी कितने लोग हैं जो नास्तिक हैं।
जानते हैं सबसे बड़ा नास्तिक कौन होता है? जो भले ही मंदिर में जाता हो, पूजा पाठ खुद करता हो, लेकिन यदि वो सोचता है कि परमात्मा मंदिर के कोने में बैठा हुआ है और मैं यह गलत काम करूं तो वो नहीं देख रहा है, वही सबसे बड़ा नास्तिक है। आस्तिक कौन है? जो इस बात को मानता है कि ईसा वासम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, जो कुछ है सब में परमात्मा की सत्ता कार्य कर रही है। यदि मैं मन से भी किसी का बुरा सोचता हूं तो परमात्मा उसको जान रहा है, वाणी से किसी के बारे में कटु वचन बोलता हूं, छिप करके भी बोलता हूं तो वह भी उसको ज्ञात है, और यदि मैं आचरण से किसी का दिल दुखाता हूं तो वह क्षमा योग्य नहीं होगा। परमात्मा को हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी उपासना गृहों में कैद नहीं कर सकता, न उसको हम मंदिर के कैद खाने में रख सकते हैं, न मस्जिद में, न गिरजाघर में, न गुरुद्वारों में, वह सभी बंधनों से परे है। हमारी सोच जहाँ तक जाती है कि यहाँ तक सृष्टि है, इतनी गैलेक्सियाँ हैं, वेद कहते हैं, वह इसके भी परे है, और जहाँ अनंत सृष्टि समाप्त होती है वहाँ से बेहद शुरू होता है, जहाँ बेहद की भी सीमा समाप्त होती है उसके परे अनंत परम धाम है, जिसका ओर छोर राज्य के अतिरिक्त किसी को नहीं मालूम है, न श्यामा जी को मालूम है, न सखियों को मालूम है। सबके कटु वचनों को सुनता है, सबकी प्रशंसा स्तुति को भी सुनता है, लेकिन वो कभी विकारग्रस्त नहीं होता। विकार किसको कहते हैं? कोई यदि हमारी प्रशंसा कर देता है तो हम बहुत फूल कर कुपा हो जाते हैं, कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है तो हम उस पर आक्रोशित हो जाते हैं, उसको दंड देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तो सामान्य मनुष्य की सोच है। परमात्मा खुश होने और आक्रोशित होने, इन दोनों विकारों से परे है, वो धैर्यपूर्वक सुनता रहता है। आप देखिए, किसी वृक्ष पर पत्थर मारते हैं तो बदले में वृक्ष मीठा फल देता है। जिस धरती में उगा हुआ अन्न फल खाकर हम जीवित रहते हैं, उस धरती पर मनुष्य क्या करता है? मलमूत्र का ही त्याग करता है। धरती माता सब सहन करती है, सब क्षमा करती है। तो यदि एक वृक्ष इतना क्षमाशील है, धरती इतनी क्षमाशील है, तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का क्या कहना, जिसकी दृष्टि मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पल भर में होता है और लय को प्राप्त होता है। एक किसी बड़े अधिकारी के सामने तो क्या, पीठ पीछे भी आपने कुछ ऐसी बात कह दी जो उसको अच्छी न लगे तो आपकी नौकरी जाने का प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन परमात्मा सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला है, रक्षण करने वाला है और प्रलय भी करने वाला है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी प्राणियों के ऊपर कृपा की वर्षा करता रहता है। मैं जो कह रहा था, हिंदू समाज से सबसे बड़ा गुनाह क्या हो रहा है? एक परमात्मा के प्रति निष्ठा नहीं हो रहा। आप विदेशों में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, आमतौर पर विदेशी लोग मांसाहारी होते हैं, बहुत अधिक मांस खाते हैं। वैसे भारत में भी बहुत ज्यादा मांसाहार बढ़ चुका है, लेकिन एक अमूमन एक हिंदू की कल्पना ऐसी की जाती है जो शाकाहारी होता है, परमात्मा पर निष्ठा रखने वाला होता है, लेकिन उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण, उसकी भक्ति भावना कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। वेदों में क्या कहा है, उपनिषदों में क्या कहा है, गीता में क्या कहा है, हिंदू अपने ग्रंथों को ही नहीं देखता कि हम किसकी भक्ति करें। देखिए, आप इतनी माताएं बहने बैठी हैं, आप 1 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का भी नुकसान कर देंगे, आपका पति सहन करेगा, लेकिन पति को यह सहन नहीं होगा कि मेरे और उसके बीच में कोई तीसरा भी आ जाए, ये सबसे बड़ा अपराध होगा। पत्नी के हर अपराध के लिए क्षमा है, लेकिन पत्नी का यदि हृदय का प्रेम उसकी उपेक्षा करके किसी और के लिए होता है तो कोई भी पति यह सहन नहीं कर सकता। उसी तरह से सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए वेद में क्या कहा गया है कि जो उसको छोड़कर जड़ प्रकृति की आराधना करते हैं वे घोर दुख रूपी अज्ञानता के अंधकार में पड़ते हैं। और आज तो स्थिति यह है
कि हिंदू समाज को पता ही नहीं है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहते किसको है। परंपरागत रूप से जिसको बता दिया गया उसी को हम परमात्मा मानते हैं। हमने महापुरुषों को परमात्मा का स्वरूप दे दिया। जिन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन दिया कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए, वन में जाते हैं, प्रतिदिन संध्या करते हैं। संध्या किसको कहते हैं? संध्या काल में जब सूर्योदय हो रहा हो और रात्रि का अंधकार जा रहा हो, या सूर्यास्त हो रहा हो, रात आने वाली है, इसको संध्या काल कहते हैं, दिन और रात्रि का मिलन। उस समय परमात्मा के ध्यान करने का विधान है कि सारा कार्य छोड़कर उस समय परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, प्रवाही लोग भी बैठे हैं, क्या वो कह सकते हैं कि वो संध्या और सवेरे दोनों समय परमात्मा का ध्यान करते हैं? 15% 20% से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। गाँव में जाकर के पूछिए कि क्या तुम प्रतिदिन परमात्मा के बारे में कुछ ध्यान करते हो 15 मिनट भी, तो उत्तर नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा गुनाह होता है कि परमात्मा की आराधना तो दूर, आपने परमात्मा को स्वयं बनाया है, आपने उसमें प्राण डाला है, आपने मंदिर में रखा है, आप उनके कमरे में ताला आप लगाते हैं, इच्छा अनुसार खिलाते हैं तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाते तो नहीं खाएंगे। जो सारी सृष्टि का रक्षक है, सारी सृष्टि का जन्मदाता है, जो आपको जीवन दे रहा है, उसको भी आपने कहा कि तुम मुझे क्या बनाओगे, मैं तुम्हें ही बना देता हूँ, तुम मेरे ऊपर कर्मों का बोझ क्या डालोगे, देखो मैं तुम्हें भोग लगाऊंगा तो खाने को मिलेगा, नहीं तो चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। क्या है, हमने परमात्मा को तो नहीं समझा, हमने परमात्मा को एक सामान्य मनुष्य से भी छोटा बना दिया। हम शादी विवाह में जाते हैं, पानी की तरह पैसे उड़ाते हैं, परमात्मा के किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो क्या देते हैं? 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, जैसे किसी को भीख दी जा रही हो। आप सोचिए, आपने सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा को कितना छोटा बना दिया, अनंत को महापुरुषों से भी छोटा बना दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रतिदिन संध्या करते हैं। जब वे वन जाने लगे तो उस समय माता कौशल्या हवन कर रही थी, सीता का अपहरण हो गया है, लंका के दरबार, लंका की अशोक वाटिका में है। जब हनुमान जी जाते हैं तो सोचते हैं कि सीता को मैं कहाँ खोजूं? संध्या समय हो गया है, हनुमान जी सोचते हैं कि संध्या का समय है, सीता अवश्य आएगी इस सरोवर पर अपने हाथ पैर धोने के लिए, क्योंकि संध्या का समय है। आज हिंदू समाज भगवान राम की, सीता की मूर्तियों की तो पूजा कर रहा है, लेकिन यह नहीं सोच रहा है कि सीता और राम प्रतिदिन जिस परमात्मा का ध्यान करते थे, भक्ति करते थे, हम उनकी भक्ति करें। धर्म किसको कहते हैं? महाजनो येन गता स पंथ, हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए और दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लेकिन आज का हिंदू समाज कौन से मार्ग पर चल रहा है? कृष्ण जी ने जो कहा गीता में उसका उल्टा आचरण करता है। कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा है कि उत्तम पुरुष अक्षरातीत के सिवा कोई भी परमात्मा नहीं कहला सकता। हिंदू समाज क्या इसका आचरण करेगा? और किस तरह से उत्तम पुरुष को मानना है? अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति, पुरुष परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्या, अनन्या का अर्थ क्या होता है? जिसमें एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए भी कोई स्थान न हो। जैसे पतिव्रता का प्रेम अपने केवल पति के लिए होता है, उसी तरह से हमारी आत्मा का प्रेम केवल सच्चिदानंद परमात्मा के लिए ही हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम उसको जानना चाहते हो तो तत्वज्ञानियों के पास जाओ। जब समाज में ज्ञान का प्रचार होगा, एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति होगी, उसके प्रति निष्ठा होगी। देखिए, मुसलमान कितना भी बुरे कर्म करता हो, भले ही मांस खाता हो, कुछ भी करता है, खून खराबा करता है, लेकिन उसकी एक निष्ठा तो परमात्मा के प्रति है। हमारी तो एक निष्ठा ही परमात्मा के प्रति नहीं है। हमारी निष्ठा न गीता के प्रति है, न वेद के प्रति है, न शास्त्र के प्रति है,
वाल्मीकि रामायण का भी कथन हम नहीं मानते। यदि हम वाल्मीकि रामायण का भी कथन माने, तुलसीदास जी के रामचरितमानस का भी कथन माने, तो रामचरित में क्या कहा है कि नेति नेति जय वेद निरूपा, वेद जिसको नेति नेति कह करके मौन हो जाते हैं, वो क्या है, आनंद का सागर है, सभी उपाधियों से परे है। ऐसी कोई उपमा नहीं जिससे उस परमात्मा को बताया जा सके, इसलिए कहते हैं निजानंद निरुपाध अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजे जासु अंस्ते नाना। शंभु शंकर जी, विरंच ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जिसके अंस्ते नाना, नाना का अर्थ होता है अनंत असंख्य, जिसके अंश के, जिसके सत्ता के स्वप्निक रूप के अंश मात्र से, आदि नारायण से असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, वह परमात्मा है जिसको वेदों में नौति नौति कहा गया। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये रामायण कह रही है जो घर घर में पढ़ी जा रही है। आप सोचिए, रामायण को घर में रखें लेकिन रामायण का कथन मानने के लिए तैयार नहीं है। रामायण क्या कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके सपने के स्वरूप के अंश मात्र से पैदा होते हैं, तो सोचिए जिसके सपने के अंश मात्र से पैदा होते हैं तो उसका जो मूल स्वरूप है, अक्षर है, अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, तो क्या कोई हिंदू सीताराम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर उत्तम पुरुष अक्षरातीत को परमात्मा मानने के लिए तैयार है? वो नहीं मानेगा, कहेगा कि जो परंपरा से चला आया है हम तो सीताराम को ही पूर्ण ब्रह्म मानेंगे। न वो गीता को मानना चाहता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने जो तुमको ज्ञान सुनाया था उस ज्ञान को मैं दोबारा नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं तो परमात्मा की आराधना में था, योग युक्तेन तन्मया, मैंने ब्राह्मी अवस्था में उस परम धाम के ज्ञान को कहा है, इस समय उस ज्ञान को दोबारा कहने में पूर्णतया असमर्थ हूँ। आप सोचिए, श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ सर्वभूतेन भावन, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो तू उस सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में जा। जैसे पतिव्रता अपना जीवन पति के चरणों में सौंप देती है, उसी तरह से जब तक आत्मा उस सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रति समर्पित नहीं होता तो भक्ति कैसी। पतिव्रता पड़े सेविए, और इसी को योगेश्वर श्री कृष्ण क्या अव्यभिचारिणी भक्ति, जिसमें आत्मा केवल परमात्मा की आराधना करती है, उसके सिवा अन्य किसी की भक्ति नहीं करती है। लेकिन आप देखते हैं हिंदू समाज में, यदि मैं वास्तविकता को कहूँ तो सुनने वालों को भी ऐसा लगेगा कि हमारी भावनाओं पर कुठाराघात हो रहा है, लेकिन शंकर जी के मंदिर में क्या होता है सबको मालूम है। विष्णु भगवान के मंदिर में शालिग्राम होता है। जिस हम नारायण की मूर्ति बनाते हैं, जिसको भोग लगाते हैं, वो नारायण तो सबके हृदय में बसता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में परमात्मा है, ईश्वर है, लेकिन हृदय में जो परमात्मा बसता है उसको तो हम दुत्कार देते हैं। किसी को कहेंगे कि अरे तू छोटी जाति का है, तू मेरे सामने बैठ नहीं सकता, मेरे मंदिर में घुस नहीं सकता। तो आप बताइए, जब हिंदू समाज एक परमात्मा से मुख मोड़ चुका है, अपने मंदिरों में स्वयं के बनाए हुए परमात्मा को रखता है, कैदी बनाकर रखता है, न वो वेद का कथन मानने के लिए तैयार है, न गीता का कथन मानने के लिए तैयार है, न उपनिषदों की बात को मानने के लिए तैयार है, न राम और कृष्ण की बात को मानना चाहता है, वो तो आंख मूंद कर जो परंपरा से अंधकार का मार्ग दिखाया गया है उसी पर चल रहा है और उसी को धर्म मानना चाहता है। प्राणनाथ जी की सिखापन क्या है, प्राणनाथ जी की सिफत क्या है, सिफायत क्या है, जो उन्होंने तत्व ज्ञान दर्शाया, क्षर अक्षर के पार है, पिया अक्षरातीत धर, बिन संबंध न पाइए कुटीन कर वचन। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, तीर्थों में वास करो, तीर्थ किसको कहते हैं, जिन शुभ कर्मों से मनुष्य भवसागर से पार होता है उसको तीर्थ कहते हैं। हरिद्वार में आप वर्ष भर जाइए, सारे देश के लोग वहां मिलेंगे, कितनी निष्ठा के साथ आते हैं। कोई सोचता है कि हरिद्वार में हम स्नान कर लेंगे गंगा में तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। कोई अपने पूर्वजों को
तृप्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण करने के लिए आता है, लेकिन हरिद्वार भी तो एक स्थान है जो दूसरों को मुक्ति का संदेश देते हैं, मुक्ति की स्वीकृति देते हैं कि हमने तुम्हारा पूजन करा दिया, गंगा में स्नान आपको करवा दिया, आपसे पंडा लोग क्या करते हैं, समर्पण करवाते हैं, आप पैसा देते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हमने जो यहाँ दान पुण्य किया है इसके बदले हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो पूछिए क्या आप मुक्ति प्राप्त हैं? जो दूसरों को मुक्ति का टिकट देते हैं बेचारे, वो भी तो अंधकार में फंसे। हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया है कि जब तक उस परमात्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, रिते ज्ञानात न मुक्ति, तब तक मुक्ति नहीं। परमात्मा को केवल ग्रंथों से पढ़ना नहीं, ग्रंथों से पढ़िए, आत्मचक्षुओं से देखिए, तब उसको कहते हैं कि परमात्मा को हमने यथार्थ रूप से जाना है। वेद क्या कहते हैं? नान्या पंथा विदते अन्याया, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। जब तक आपने अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान उस परमात्मा को नहीं देखा, नहीं जाना, तब तक आपको मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। आप सभी तीर्थों में वास कर लीजिए, जिसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ क्या है? आप सत्य को ग्रहण कीजिए, सत्य का आचरण कीजिए और असत्य का परित्याग कीजिए, उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, इसको तीर्थ कहते हैं। आपने कोई बहुत बड़ा स्थान बना दिया, मंदिर बना दिए, वहाँ सैकड़ों लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, तो वहाँ रहने मात्र से, जाने मात्र से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मछलियाँ गंगा में रहती हैं तो उनको तो कभी मुक्ति नहीं होती, मेढक भी रहते हैं तो भी मुक्ति नहीं होती। आप वर्ष में या कई वर्षों के बाद एक बार जाकर डुबकी लगा लेंगे तो आपकी मुक्ति कैसे हो सकती है? यदि आपने ज्ञान की गंगा में स्नान नहीं किया, प्रेम के निर्मल झरने के नीचे आपने अपने को धोया नहीं, तो क्या होगा? आपने ध्यान में बैठकर परमात्मा के श्रृंगार में, परमात्मा की शोभा में स्नान नहीं किया तो भी आपको निर्मल करने वाला संसार में कोई भी नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि हम तीर्थों में जाकर के केवल दान पुण्य कर देंगे, स्नान कर लेंगे, हमारा बेड़ा भवसागर से पार हो जाएगा, या चार धामों की यात्रा कर लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो नहीं। सबसे बड़ा धाम क्या है? आपका दिल। आपका दिल ही सबसे बड़ा मंदिर है। आपके दिल में ही प्रीतम की छवि दिखनी है। शरीर और संसार से परे होकर जब आप प्राणनाथ जी के दर्शाए हुए मार्ग पर चलेंगे, एक अक्षरातीत की भक्ति करेंगे, तो आपको भूमिया देवता के सामने नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हिंदू समाज की निष्ठा ही कितनी कलंकित हो गई है। आप मजारों पर जाकर सिर पटकते हैं, उस मजार में क्या रखा है? सड़ी गली हुई लाश ही तो होती है, हड्डियां होती है, उन हड्डियों के सामने मत्था टेकते हैं। आपने अपने खेतों में न जाने क्या क्या चबूतरे बना रखे हैं, उन ईंटों के चबूतरे पर आप सिर पटकते हैं, मन्नत मांगते हैं कि हे देवता हमारा ये कल्याण कर दो। आप क्यों नहीं सोचते कि परमात्मा तो तुम्हारे हृदय मंदिर में बसता है, जो अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, वो आपके हृदय मंदिर में रहता है, उसको पुकारिए। आपका शरीर छूट जाएगा फिर भी आपका दिल नष्ट नहीं होगा, महाप्रलय तक आपका दिल रहने वाला है, और आपकी आत्मा का दिल तो अनंत काल तक रहने वाला है। आप जो ईंटों का चबूतरा अपने घर में बना रखा है, बाहर बना रखा है, खेतों में बना रखा है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है। सीता को देखिए, सीता कितने कष्ट झेलती है, द्रौपदी कितने कष्ट झेलती है, लेकिन सीता और द्रौपदी ने अपने सतीत्व का सौदा नहीं किया। लेकिन आज हिंदू अपने प्रेम का सौदा करता है, अपने ईमान का सौदा करता है, तो बताइए उसको क्या मिलेगा? इसलिए जिन्होंने प्राणनाथ जी का मार्ग पकड़ा, उनके लिए परम धाम का वह ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके लिए गीता में क्या कहा गया है, न तत्र भास्ते सूर्यो, वहां सूर्य नहीं चमकता है, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं। संतवाणी में इसको दर्शाया गया है, चांद सूरज को गम नहीं, नहीं पाव को काम, पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद स्थान। परम धाम कैसा है? आप जिस माया की दुनिया में रह रहे हैं, वह सूरज और चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होती है दुनिया, लेकिन जहां परम धाम है वहां सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, विद्युत नहीं है, अग्नि नहीं है,
त्रिगुणातीत है वह धाम, वहां जन्म नहीं है, मरण नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, वहां कोई बच्चा नहीं है, सब जो है सब कुछ केवल परमात्मा का स्वरूप है। वाणी में उस परम धाम की महिमा के बारे में बताया जाता है, इत नया न पुराना न कम ज्यादा होए, इत वाहिदत में दूसरा कबहु न कहिए कोई। आप कौन है? सागर की लहर कहने लगे कि मैं सागर से अलग हूं तो उसकी नादानी है। सूर्य की किरण कहती है कि नहीं, मैं तो अंधेरे से मैं रहती हूं, मैं तो एक किरण मात्र हूं। वाणी क्या कहती है? वाहिदत में दूसरा कबहू न कहिए कोई। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई नहीं है, बस पक्षी भी सभी राज्य का स्वरूप है। आप शरीर से अपने को जब देखते हैं तो लगता है अरे मैं तो बुढ़ा हूँ, काला कलोटा हूँ, गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ। जब जीव भाव से आप अपने को देखेंगे तो लगेगा कि मैं पांच कोषों में भी नहीं हूँ, अन्नमय कोष मेरा नहीं है। इस शरीर को नष्ट होना हमारा नाश होना नहीं है, न हम कभी जन्मे थे न कभी हम मरेंगे, न कभी हम दुखी होंगे। दुखी कौन होता है? हमारा मन दुखी होता है, हमारी आत्मा दुखी नहीं होती। हमारा जीव हमारी आत्मा दृष्टा भाव से देख रहे होते कि दुख क्या होता है। यह मन बेचारा जब संसार में भटकता है तो अपने अनुकूलता को पाकर के वो खुश होता है, और जब प्रतिकूल अवस्था में दुखी होता है कि मेरा तो सब कुछ छिन गया तो वो दुख होता है। सुख और दुख से परे है आपका स्वरूप, जन्म और मरण से परे है आपका स्वरूप। इसलिए जिस दिन आप अपने स्वरूप को जानेंगे उस दिन आप सच्चिदानंद परमात्मा को भी जानेंगे। आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं है क्योंकि आप प्राणनाथ जी की वाणी से दूर है। इसलिए असहाय अवस्था में आप भूमिया की शरण में जाते हैं, भगवान शंकर जी के पिंड की आराधना करते हैं, घर में चबूतरे के ऊपर ईंट का चबूतरा बनाकर उसको कुल देवी या कुल देवता बनाकर उसको मत्था टेकते हैं। आपके हृदय में जो आपका परम धाम बसता है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है इताय करो राम। आपका परम धाम आपके दिल में मिलेगा, केवल शरीर से परे होने की आवश्यकता है। और जब आप शरीर से संसार से परे होकर उसको दिल में बसाएंगे तो साक्षात वो दिखेगा। ये मानव तन मिला है केवल सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना के लिए, भव सागर से पार होने के लिए। यदि आप ये कहते हैं कि हमारे परिवार में परंपरा से ऐसा होता आया है तो परंपरा पर कभी नहीं चलने का प्रयास करना चाहिए। परंपराएं कैसी होती हैं मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूँ। एक परिवार में शादी होने वाली थी, उस शादी के घर में किसी कारण से बिल्ली की मौत हो गई। उस घर में जो नई बहू आई थी उसने देखा कि बिल्ली मर गई है तो मेरी सास उसको मिठक रही है। वो सोच रही है कि जब मेरे बेटा होगा, अभी तो बहू आई है, उसके देवर की शादी थी, बारात निकलने जा रही थी। सास ने सोचा कि अभी बारात निकलने का शुभ समय है, बिल्ली मर गई तो किसी की नजर में ना आए, इसलिए इसको मैं टोकरी से ढक देता हूँ। बहू सोच रही है कि जब मेरी भी संतान होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, तो मुझे भी बिल्ली को मारकर टोकरे से ढकना होगा। समय गुजरता है, उसकी संतति पैदा होती है, उसके बेटे की जब बारात निकलने लगी तो वो बहू अब तो बड़ी हो गई है, कहने लगी कि नहीं, मेरे बेटे की तब तक बारात नहीं जाएगी जब तक बिल्ली को मारा नहीं जाएगा, उसको टोकरी से ढका नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी सास ने मेरे देवर की शादी के समय बिल्ली को, मरी हुई बिल्ली को टोकरे से ढका था। वो परंपरा चल गई, कई पीढ़ियों तक ये परंपरा चलती रही कि जब बारात निकले तो बेचारी बिल्ली को कहीं से पकड़ कर उसको जबरन मारा जाता था, उसको टोकरे से ढका जाता था। इसको परंपरा नहीं कहते, अंध परंपरा। एक पढ़ी लिखी बहू आती है, वो विचार करती है कि तो अंध परंपरा है, उस बेचारी बिल्ली ने क्या किया है कि कहीं से भी पकड़कर बारात निकलने के समय ही उसको मारा जाता है, उसको टोकरे से ढका जाता है। उसने परिवार के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो भाई, ये पाप कर्म है, ये नहीं करना चाहिए। सबकी समझ में आया तो उन्होंने उस बुरी प्रथा को छोड़ा। ऐसे ही सती प्रथा थी, पत्नी मरना भी नहीं चाहती तभी जबरदस्ती से पति के मरे हुए शरीर के साथ रखकर जला दिया जाता था। आज भी घर घर में ये परंपराएं कई चल रही है।
किसी से कहिए कि ये सब छोड़कर एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति करो तो क्या कहते हैं, हमारे घर में परंपरा चली आ रही है, इनको हम छोड़ देंगे तो ये तो सारे नाराज हो जाएंगे, हमारा नाश कर देंगे। इसलिए हम परमात्मा को तो छोड़ सकते हैं, इनको नहीं छोड़ सकते। मैं समझता हूँ 70% घरों में यही कहानी चल रही है। मैं सभी हिंदू भाइयों से बहनों से कहूँगा कि वे अपने अंतर मन से विचारें कि उनका मूल धर्म ग्रंथ तो वेद है। वेद क्या कहते हैं कि परमात्मा एक है। उपनिषद क्या कहते हैं, एकमेव अद्वितीयम, परमात्मा के समान न कोई था न है न होगा। इसलिए चाहे भूमिया भी क्या है, कोई व्यक्ति रहा होगा, कोई सिद्ध पुरुष रहा होगा, कुछ शक्तियां होगी, लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी, लेकिन आखिर उसने भी तो किसी की भक्ति की होगी। आजकल साईं बाबा का बहुत प्रचार है। हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू तो झट में अपना ईमान बेच देता है। देखिए इस पूरे ठसका के अंदर मैं पूछूं, वेद का पहला मंत्र तो कोई शायद ही कोई बता पाए, गीता का भी पहला श्लोक में पूछूं तो 10 शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन इस गांव के अंदर यदि 5 भी मुसलमानों के घर होंगे तो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा जो कुरान कंठस्थ किया हो। हिंदू जब अपने ग्रंथों को ही नहीं पढ़ेगा, ग्रंथों में क्या लिखा है यही नहीं समझेगा, केवल परंपरा से जो चला आ रहा है कि इसकी पूजा करो इसकी पूजा करो, अरे भाई अपने वेदों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, गीता को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, जो आपके धर्म ग्रंथ कहते हैं उसके सार तत्व के अनुसार चलिए। प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है कि यदि तुम मेरे कहने पर चलोगे, एक सच्चिदानंद परमात्मा से अटूट निष्ठा रखोगे तो क्या परिणाम होगा, हक बका अर्श सबका तीन इति पाया दीदार। सबका परमात्मा एक है, सबका परम धाम एक है। इसलिए जो अक्षरातीत सबका है उसको यहीं बैठे बैठे साक्षात देख सकते हैं। आप किसी भी महापुरुष से जाकर पूछिए कि आपने परमात्मा को देखा है, क्या बताएगा, कहेगा कि नहीं हम तो पूजा पाठ करते हैं, हमने परमात्मा को नहीं देखा। एक महापुरुष थे बंगाल में, ध्यान में बैठे हुए थे, विवेकानंद जाकर उनको हिलाने लगे। विवेकानंद अभी युवावस्था में किशोरावस्था में थे, उनका नाम शायद देवेंद्र ठाकुर था। उन्होंने ध्यान तोड़ा, अपनी आंखें खोली, पूछा कि नरेंद्र तुम क्या कर रहे हो। विवेकानंद कहते हैं कि मैंने सुना था कि आप बहुत ध्यान करते हैं, क्या आपने परमात्मा को देखा है। ऐसा ही रामकृष्ण परमहंस के साथ भी पूछा था। प्रश्न यह है कि जो परमात्मा आज तक मन वाणी से परे कहा जाता रहा है, उस परमात्मा को देखने का बातें करने का साक्षात समय अब आया। वेद उपनिषद दर्शन सारे ग्रंथ जिस परमात्मा का संकेतों में वर्णन करते हैं, जो प्राणनाथ जी की वाणी का अनुसरण करेगा वो यहीं बैठे बैठे प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। ये कौन कह रहा है, श्री प्राणनाथ जी दावे के साथ कह रहे हैं, जो चितवनी करेगा अपना हृदय, जैसे हथेली पर कोई आंवला रखकर किसी को सौंप देता है, उसी तरह से जो अपना दिल परमात्मा को दे देगा, सच्चे हृदय से प्रेम करेगा, अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग पर चलेगा। जिस तरह से पतिव्रता अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा सकती है किंतु अपने प्रेम में साझा नहीं कर सकती, उसी तरह से उस मार्ग पर जो चलेगा उसके लिए परम धाम को देखना, अक्षरातीत को देखना एक सामान्य सी बात लगती है। मैं सभी गांववासियों से, सुंदर साहब से या दूसरे भी मतों के जो भी धर्म प्रेमी सज्जन आए, सबसे मैं कहूँगा 3 का कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ, अगले साल भी हो जाएगा, इससे कुछ विशेष लाभ नहीं है। यदि आप वाणी का चिंतन नहीं करते हैं तो आप यहाँ चौहान जी से संपर्क कीजिए, साहित्य लीजिए, यूट्यूब SPJIN में 1500 घंटों की चर्चा रखी है, आप SPJIN यूट्यूब से चर्चा सुनिए, उसमें वाणी की 133 भाषाओं में व्याख्या है, बीतक की टीका आपकी 133 भाषाओं में व्याख्या है। आप पढ़िए, समझिए, एक परमात्मा को जानिए कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है, देवता किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं,
सभी अलग अलग है। देवता से परे कौन है? भगवान। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें छह गुण है, ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, शक्ति है, शील है। राम को आप भगवान कह सकते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण को भगवान कह सकते हैं, शंकर जी को भगवान कह सकते हैं, वेद व्यास जी को भगवान कह सकते हैं, गौतम बुद्ध को भगवान कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा केवल एक है। जो महापुरुष है उनको देवता कहिए, जो माता पिता है उनको देवता कहिए, जो चेतन देवता है उनकी भक्ति कीजिए। ईंट के चबूतरे को देवता मानकर आप हजार वर्षों तक पूजा पाठ करते रहेंगे, आपकी आत्मा को कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। परंपरा से आपके घर में क्या परंपरा चली आ रही है उसको छोड़िए। मनुष्य को बुद्धि मिली है विवेक करने के लिए, और विवेक के तराजू पर तौल कर जो सत्य होता है उसको ग्रहण करना चाहिए, असत्य का परित्याग करना चाहिए। इसलिए सभी भाइयों से बहनों से मैं आग्रह करूँगा कि स्वाध्याय करें, सत्संग करें, SPGIN YouTube से चर्चा सुने और अपने जीवन का कल्याण करें। आप ध्यान की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। उस परमात्मा को मिठाई के पैकेटों से खुश नहीं किया जा सकता, सोने चांदी के आभूषणों से खुश नहीं किया जा सकता, उसको केवल प्रेम चाहिए। रात्रि में सोने से पहले ध्यान करके संकल्प कीजिए, हे परमात्मा मेरे विकारों को दूर कर दे, हे प्रीतम मेरे अंदर आपका प्रेम बस जाए, मेरे अंदर आपका स्वरूप बस जाए। आप परमात्मा से माया की चीज़ें ना मांगिए। परमात्मा आपके पैसों का भूखा नहीं है, आपके मिठाई के पैकेटों का भूखा नहीं है, आपके विशुद्ध समर्पण, विशुद्ध प्रेम, आस्था का वो विषय है। इसलिए धर्म कहता है सत्य को ग्रहण कीजिए, असत्य का प्रत्याग कीजिए। मैं इस गांव के निवासियों से यही आग्रह करूंगा कि अपनी रूढ़वादी मान्यताओं को छोड़ें, एक उत्तम पुरुष सच्चिदानंद अक्षरातीत की भक्ति करें, जिसके लिए प्राणनाथ जी की वाणी कहती है, पतिव्रता पड़े सेविये न थाइये विस्यजे, एक मेली ने अनेक कीचे ते थाय थड़िवटके। यदि आप एक परमात्मा को छोड़कर काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे भागते रहेंगे, आपको तो मालूम भी नहीं है कि देवता किसको कहते हैं, देवी किसको कहते हैं। परसों मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष चेतन देवता आपके घर में है, माता पिता अतिथि आचार्य देवता हैं, पत्नी के लिए पति देवता है, पति के लिए पत्नी देवी है। सच्चे देवता और देवी जो चेतन है उसको तो आप मानते नहीं, जड़ देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, वेदों के व्याख्यान में क्या कहा गया है कि यो अन्याम देवताम उपास्ते स न वेद यथा पशुभिः एव देवानाम। जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य की भक्ति करता है वो पशु के समान है। इतने कठोर वचन ऋषियों ने कहे हैं, आप ऋषियों की बात को नहीं मानते। जो इधर उधर की बातें सुन सुनाकर आपको भय लगा रहता है कि हमने इनकी पूजा नहीं की तो हमारा नाश हो जाएगा, नाश कभी नहीं होगा। एक बात बताइए, यदि इस देश के प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति की से आपकी दोस्ती हो जाए, आप उनसे मिलने चले जाएं, वो आपके घर आ जाए, तो भला कलेक्टर आपका क्या नुकसान करेगा? कलेक्टर तो और खुश होगा कि आप कितने प्रभावशाली हैं। इसी तरह से यदि आप सच्चिदानंद अक्षरातीत की भक्ति करेंगे तो हनुमान जी भी खुश होंगे, शंकर जी भी खुश होंगे, गणेश जी भी खुश होंगे, जिन देवी देवताओं की आप भक्ति करते हैं वो भी आप पर खुश होंगे। आपसे कोई रूठेगा नहीं, आप डरिए नहीं कि आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। आपको मानव तन मिला है परमात्मा को पाने के लिए, इसलिए उस परमात्मा का ज्ञान ग्रहण कीजिए और एकमात्र उसी की भक्ति कीजिए। मैं ऐसा करूँगा कि आप सभी मेरे वचनों को अंगीकार करेंगे। प्रणाम जी।